What's up beautiful people? मैं आपका दोस्त शेफ सुशील। हम लोग इंडिया में रहते हैं। इंडिया में क्या किसको ज़्यादा अहमियत दी जाती है? जो मेहमान आते हैं उनको। तो मेहमान को हम लोग क्या बोलते हैं? अतिथि देवो भव। तो अगर मेहमान आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? एक तो रेस्टोरेंट से कुछ खाना ऑर्डर करते हैं, नहीं तो फिर हम लोग बाहर जाते हैं उनको लेके और रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। तो मैं आपको क्या आज दिखाने वाला जो रेसिपी है वो मैं बनाऊंगा मलाई कोफ्ता। लेकिन मैं बनाने वाला हूं ये प्रोडक्ट यूज करके, नॉर का वाइट इंडियन ग्रेवी बेस। बहुत इजी है और जो रेस्टोरेंट का फ्लेवर आता है वही फ्लेवर आएगा और फटाफट रेडी होगा, जो कि आपको बाहर जाने की भी जरूरत नहीं लगेगी। तो ओके दोस्तों, तो हम लोग ने ये पेस्ट लिया है। तो ये पेस्ट मैं क्या करता हूँ, एक बाउल में निकाल लेता हूँ। आपको पहला यही देखने का है कि ये जो पेस्ट है आपको बाउल में निकाल के उसको मिक्स करने का है नॉर्मल वाटर से। यही बाउल में मैं वाटर भी डाल देता हूँ, तो जो भी पेस्ट है पूरा का पूरा इसमें मिक्स होके आ जाएगा। पानी भी ऐड किया है तो मैं अभी इसको करूंगा मिक्स। इसको मिक्सिंग करने का है तो आपको देखने का है कि इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। तो जब भी आप मिक्स करेंगे तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने का है कि थोड़ा फास्ट आप ये विस्क करें। देखो दोस्तों, अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है, जो ग्रेवी का बेस है वो मिक्स हो गया है। तो अभी हमें क्या करना है, इसको हमें पकाना है 10 मिनट्स तक। तो हम लोग ने पैन में ये ग्रेवी डाल दिया है और इसको हम लोग 10 मिनट तक पकाएंगे। जब तक ये ग्रेवी पकता है तब तक मैं आपको है ना कैसा है कोफ्ता बनता है वो दिखा देता हूँ। कोफ्ता बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स है वो आपके सामने है। इसमें मैंने लिया है ग्रेटेड किया हुआ पनीर 1 बाउल, उतना ही क्वांटिटी का मैंने पोटैटोज लिया है, ग्रेट किया है, बॉयल करके ग्रेट किया है। फिर मैंने लिया है 1/2 इंच जिंजर चॉप करके लिया है, 2-3 ग्रीन चिली मैंने चॉप करके लिए है, 2 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है, पेपर है और सॉल्ट है और कोरिएंडर लीव्स है चॉप किया हुआ। और ये क्रीम जो मैंने लिया है वो मैं एंड में फिनिश करूँगा। तो आपको दिखाता हूँ मैं कैसा बनाते हैं बॉल। तो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है अपना ग्रेवी पक रहा है, तो मैं आपको दिखा ये अपना जो कोफ्ता भी है वो भी हम लोग बना रहे हैं। और ये ग्रेवी होने के बाद हम लोग इस पर कढ़ाई रखेंगे जो कि रहेगा फ्राई करने के लिए कोफ्ता। तो दोस्तों पहला अपने को क्या डालना है, पनीर डालना है, ग्रेट किया हुआ पनीर बाउल में, और सेम क्वांटिटी में आपको आलू भी डालना है, पोटैटोस, फिर जिंजर, फिर ग्रीन चिली, फिर कोरिएंडर लीव्स, फिर मैं डालूंगा नमक इसमें, पेपर और कॉर्नफ्लावर। अभी इस चीज को मैं करूंगा बाइंड, इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करूंगा। एक काम कर देता हूं, मैं इसको हाथ से ही कर देता हूं। तो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है ग्रेवी थोड़ा सा गाढ़ा होते जा रहा है, तो जो टेक्सचर है जो मलाई कोफ्ता का ग्रेवी रहना चाहिए वो धीरे धीरे आ रहा है और अपने कोफ्ते भी रेडी हो रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको और थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे। तो दोस्तों हम लोग इसको मिक्स करते हैं अच्छी तरीके से। इसका जो बाइंडिंग होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को क्या है कोफ्ता अगर फ्राई करेंगे, फ्राई करने के लिए डालेंगे तो वो टूटना नहीं चाहिए, मेल्ट नहीं होना चाहिए ऑयल के अंदर। और एक चीज़ जो मैंने डाला है जिंजर और चिली, ये जो कोफ्ते में जो फ्लेवर देता है वो बहुत बढ़िया फ्लेवर देता है।
तो ये अपना डो रेडी है, मिक्सिंग रेडी है और अपना ग्रेवी जो पक रहा है वो भी रेडी हो गया है। सो दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें कैश्यू डाल रहा हूँ चॉप किया, ये ऑप्शनल है, अगर आपको चाहिए तो आप डाल सकते हैं, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप नहीं डाल सकते। तो अभी मैं इसको इसका बॉल्स बनाऊंगा और हम लोग फ्राई करेंगे। तो दोस्तों अपना ग्रेवी है वो रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं कितना थिक हो गया है। तो अभी हम लोग इसको निकाल के बाजू में रखते हैं और कोफ्ते फ्राई करके। तो दोस्तों कोफ्ते जो है वो आपको दो टाइप के मिलते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप ऐसे बॉल्स बना सकते हैं, देखिए मैंने कैसा बॉल्स बनाया है, ऐसा बॉल आप बना सकते हो, नहीं तो फिर आप जैसा क्रोकेट बनता है थोड़ा सा सिलेंड्रिकल, मैं आपको दिखाता, ये देखिए ऐसे भी आप उसके कोफ्ते बना सकते हैं, जो शेप आपको पसंद रहेगा वो शेप आप बना सकते हैं। वैसे मैं बाकी के बॉल्स बना लेता हूँ और आपको फ्राइंग के टाइम पे दिखा। तो दोस्तों ऑयल गर्म हो गया है तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, डालेंगे कोफ्ते फ्राइंग के लिए। कुछ मैंने सिलेंड्रिकल भी बनाया है, आपको दिखाया था ऐसा ही। और आपको ध्यान देना है कि कोफ्ता जब भी आप डालेंगे तो उसको थोड़ा सा आप साइड से, अगर आप उसको हिलाएंगे, ऑयल को हिलाएंगे तो कोफ्ते राउंड 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 हो जाएंगे बराबर से और उसको फ्राइंग भी बराबर से आ जाएगा। तो दोस्तों अपना जो कोफ्ता है वो फ्राई होके रेडी है, आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। तो ये हमारे कोफ्ते फ्राई हो गया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ इसको प्लेटिंग कैसे करते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान में रखने का है दोस्तों कि कोफ्ता जब भी आप सर्विस करेंगे तभी आपको कोफ्ता और ग्रेवी उसके ऊपर डालना है। ग्रेवी हीट हॉट रहेगा और कोफ्ता आपका ठंडा रहेगा तभी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप कोफ्ते को ग्रेवी में डालेंगे तो कोफ्ता मेल्ट हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा जो कोफ्ता है वो रेडी है, तो मैंने वापस पैन इस पे चढ़ा दिया ग्रेवी का, क्योंकि इसका फिनिशिंग बाकी है। तो इसमें फिनिशिंग में जब भी मुझे सर्व करने का है तभी मैं इसको क्या करूँगा, ग्रेवी को वापस हीट करूँगा उसमें और क्रीम डालूँगा और गैस बंद कर दूँगा। अगर आप क्रीम डालने के बाद उसको अगर पकाएंगे तो वो क्रीम कर्डल हो जाएगी और आपकी ग्रेवी ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अभी ये मेरा हीट हो गया है तो मैं इसमें डालता हूँ क्रीम। और इसको मैं गैस को करता हूँ बंद और इसको कर देता हूँ मिक्स। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसा प्रेजेंटेशन करेंगे। तो प्लेट में मैं कोफ्ते रख देता हूँ, अगर मैंने ये दो रखे तो मैं दो ये रख देता हूँ और इसके ऊपर मैं पोर करूंगा ग्रेवी। तो ग्रेवी हम लोग ने डाल दिया है कोफ्ते के ऊपर, अभी मैं डाल रहा हूँ उसके ऊपर कैश्यूज। आप कैश्यूज फ्राई करके भी ले सकते हैं और इसके ऊपर मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा केसर और थोड़ी सी क्रीम यूज कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये मलाई कोफ्ता है इसके लिए। सो दोस्तों मलाई कोफ्ता रेडी हो गया है। तो दोस्तों कैसी लगी रेसिपी, बहुत इजी है ना, और जो मैंने प्रोडक्ट दिखाया वो भी बहुत अच्छा है। तो आपको क्या करने का है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। और एक चीज दोस्तों मुझे आपको बताने की थी कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे बोला है कि मेरा वीडियो हर दिन आता है, तो वो मैंने प्लान किया है नेक्स्ट वीक से मेरा वीडियो सिर्फ 3 दिन आएगा। और इसके लिए आपको क्या करने का है, मुझे सब्सक्राइब करने का है, बेल बटन को आपको प्रेस करना है, तो फिर जैसा ही मेरा वीडियो आ जाएगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि मेरा वीडियो आ गया। थैंक यू।